और चुनाव आयोग ने कांधे उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। कांधे में 20 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उपचुनाव के ऐलान के बाद झारखंड में सियासत भी गर्मा गई है। जेएमएम ने उपचुनाव के ऐलान पर सवाल उठाए, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। कांधे में उपचुनाव का ऐलान, 20 मई को डाले जाएंगे वोट, 4 जून को आएगा नतीजा। लोकसभा चुनाव के साथ कांधे विधानसभा के उपचुनाव का भी ऐलान हुआ है। कांधे में 20 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि लोकसभा चुनाव के साथ कांधे विधानसभा उपचुनाव का भी रिजल्ट 4 जून को आएगा। लेकिन उपचुनाव जल्दी कराने की मांग करने वाले जेएमएम ने अब कांधे उपचुनाव की घोषणा पर सवाल खड़े किए हैं। जेएमएम ने कहा है कि हरियाणा में उपचुनाव कराना जरूरी है, लिहाजा कांधे में भी उपचुनाव की घोषणा की गई है। कि हरियाणा में जो चीजें घटी है, वहां के एक नॉन लेजिस्लेटिव मेंबर को मुख्यमंत्री बनाया गया किस हालत में, जहां भाजपा के लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली वहां असेंबली का बाईपोल नहीं हो सकता, तो उसको करवाने के लिए बाय डिफॉल्ट कांधे का भी घोषणा हो गया। सरफराज अहमद के इस्तीफे के कारण कांधे सीट खाली हुआ है। कांधे सीट छोड़ने का सरफराज अहमद को इनाम भी मिला है और पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया है। बीजेपी शुरू से ही दावा कर रही थी कि कांधे में उपचुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से भी कम बचा है। ऐसे में बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दे रही है, लेकिन उपचुनाव की घोषणा के बाद अब बीजेपी ने इसे चुनाव आयोग का फैसला बताया है। साथ ही जेएमएम के आरोप पर पलटवार किया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी है और एक राजनीतिक दल के नाते हमें ये लगा था कि कांधे में चुनाव जो है वो संभव नहीं है, इसलिए हमारे जो फैक्ट्स थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स थे, जो कुछ रूलिंग्स थे, उसको लेकर हम गए थे। गवर्नर साहब के पास भी गए थे, इलेक्शन कमीशन भी गए थे कि कांधे में चुनाव संभव नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का निर्णय आया कि चुनाव संभव है, तो उनका आदेश सर आंखों पर। लेकिन इसको किसी दूसरे चीज से जोड़ना ना, ये ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति दिखाता है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि उनको पता है कि वो कांधे विधानसभा भी लूज करने जा रहे हैं 14 लोकसभा की तरह? तो ये दरअसल इनका खीज बोल रहा है, क्योंकि इनको लगा था शायद कांधे उपचुनाव नहीं हो और एक और हार से वो बच जाए। अब कांधे में उपचुनाव की डुगडुगी बजने पर झारखंड में सियासत का पारा हाई है। अब देखना होगा कि 6 महीने के लिए कांधे का विधायक कौन होगा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।